आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि वेक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने वेक्टर को समझा, हमने स्केलर को समझा, अब हम देखेंगे कि वेक्टर के टाइप्स क्या होते हैं। तो वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप्स है हमारे पास में क्या, पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर क्या होता है, तो अगर हम देखेंगे वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन, यानी जब दो वेक्टरों की या जो भी वेक्टर रहेगी उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी, तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल वेक्टर। जैसा हमारे पास में ये है ए वेक्टर, ये क्या है, ए वेक्टर है, और ये हमारे पास में बी वेक्टर है, तो ये दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक ही हो गई, सेम हो गई, तो इसलिए मेरे पास में ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या हो गए, पैरेलल वेक्टर हो गए। लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ पे देखे कि ए वेक्टर की और बी वेक्टर की दोनों की लेंथ जो है वो बराबर नहीं है। ए वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है क्या, नहीं है। तो पैरेलल वेक्टर के अंदर में अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो तो चलेगा, अगर नहीं हो तो भी चलेगा, बस डायरेक्शन जो है वो वेक्टर की क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो इक्वल वेक्टर, जैसे पैरेलल वेक्टर था, अभी हमारे पास में क्या है, इक्वल वेक्टर है। तो अब इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि द वेक्टर विच इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अब इसमें क्या होगा, जैसे इसमें देखिए हमने कि डायरेक्शन सेम थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसा ये ए वेक्टर है, ये क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया, और ये हो गया मेरे पास में बी वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने में आई कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, अगर हम इनका मैग्नीट्यूड देखेंगे, इनका मैग्नीट्यूड देखेंगे, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब वो वेक्टर जो है, यानी दो वेक्टर जब इक्वल हो गए, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये था पैरेलल वेक्टर, और ये क्या था मेरे पास में, इक्वल वेक्टर। अब ये दोनों का कंपैरिजन इसलिए ताकि समझिए हम कि पैरेलल वेक्टर क्या होता है और इक्वल वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब ये एक पॉइंट अगर देखिए हम, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, सब के सब, यानी जितने भी इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होते, क्योंकि हमको मालूम है कि जब डायरेक्शन सेम रहेगी तो वो क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर, और जब डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी दोनों बराबर हो गए तो ये क्या होता है, ये होता है इक्वल वेक्टर। तो सारे इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, बट ऑल पैरेलल वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे पास में एंटी पैरेलल वेक्टर है। अब एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर विद अपोजिट डायरेक्शन, यानी दो वेक्टर हो गए और दोनों वेक्टरों की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट होगी। जैसा मेरे पास में ये है ए वेक्टर है, ये क्या है मेरे पास में, ये ए वेक्टर है, और अगर मैं देखता हूँ तो ये है मेरे पास में, ये है मेरे पास में बी वेक्टर है। तो अगर हम देखते हैं इसके अंदर में, तो बी का अगर हम डायरेक्शन देखेंगे और ए का डायरेक्शन देखेंगे, दोनों की डायरेक्शन क्या है, और अगर यहाँ से क्लियर अगर हम देखते हैं तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है क्या, नहीं है। तो इसलिए दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन होगी, लेकिन और मैग्नीट्यूड अलग अलग होगी, ठीक है। यानी डायरेक्शन भी क्या हो गई, अपोजिट होगी, और मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, मेरे पास में इक्वल नहीं होगा। और एक बात अगर देखते हैं हम, जैसा सपोज मेरे पास में अभी दोनों ए वैक्टर और बी वैक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, तो अगर हम देखते हैं जैसे ये मेरे पास में ये ए वैक्टर है, ठीक है, और ये क्या है मेरे पास में, ये बी वैक्टर है, ठीक है। अब दोनों के बीच में अगर एंगल देखेंगे तो कितना आता है, 180 आता है। जब भी दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में जो एंगल आता है वो कितना आता है, 180 आता है, ठीक है। अब नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर, अब ये नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर क्या होता है, अभी हमने यहां पर देखे एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में क्या था, विद अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन यहां पर क्या होगा, वेक्टर विद सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। देखो यहां पर जो था वेक्टर ए था, तो वेक्टर ए का डायरेक्शन और बी का, जो बी वेक्टर था उसका डायरेक्शन क्या हो गया, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है क्या, नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि मेरे पास में सपोज ये है ए वेक्टर, ये क्या हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया मेरे पास में, ये हो गया बी वेक्टर। अब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर हो जाएगा,
बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक तो निगेटिव वेक्टर या फिर क्या हो जाएगा, ये अपोजिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी अगर हम एंगल देखेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। ठीक है, वैसे ही बात अगर इसको देखें कि ऑल अपोजिट वैक्टर्स आर एंटी वैक्टर, क्योंकि हमको मालूम है सारे अपोजिट वैक्टर जो है वो एंटी पैरेलल वैक्टर हो सकते हैं, बट ऑल एंटी पैरेलल वैक्टर आर नॉट अपोजिट वैक्टर, क्योंकि एंटी पैरेलल वैक्टर में मैग्नीट्यूड इक्वल होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों वैक्टर को इक्वल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन भी अपोजिट है। तो ये थे हमारे पास में निगेटिव वैक्टर। अब ऐसा ही हम समझेंगे अनइक्वल वैक्टर। अनइक्वल वैक्टर जैसे सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास में कि वैक्टर्स विथ अपोजिट डायरेक्शन, दो वैक्टर आएंगे, जैसा मेरे पास में ये है, मेरे पास में ये ए वैक्टर है, ये क्या हो गया, ये ए वेक्टर हो गया। अब हमारे पास में दो वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, यानी ये क्या है, ये है बी वेक्टर। हाँ एक बात, अब डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गई, भले ही मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, यानी ए का जो मैग्नीट्यूड है वही मेरे पास में क्या है, बी का मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, इसलिए ये दोनों वेक्टर क्या है, अनइक्वल वेक्टर है। ठीक है, अब मेरे पास में दूसरी कंडीशन के वेक्टर विथ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, मेरे पास में देखो डायरेक्शन जो है ये मेरे पास में क्या है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरे पास में क्या है, बी वेक्टर है। ठीक है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। अगर मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर देखता हूं, क्या नहीं, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, अनइक्वल है, इसलिए ये दोनों वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो जाएंगे, ये अनइक्वल वेक्टर हो जाएंगे। अब अगर मैं देखता हूं कि वेक्टर विद डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अब ये क्या होगा, जैसा हम देखते हैं कि जैसे ये एक वेक्टर है, इसका नाम है ए वेक्टर। ठीक है, अब डायरेक्शन है, अब मेरे पास में क्या हुआ ना कि अब मेरे पास में ये है बी वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरे पास में बी वेक्टर हो गया। तो हम एक चीज देख रहे हैं इसके अंदर में, एक तो ये दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड में दोनों का क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। या फिर अगर हम देखते हैं तो मेरे पास में ये क्या है, ये ए वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर है और ये क्या है मेरे पास में, ये बी वेक्टर है। तो यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट हो गई, और दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड जो है वो बी मैग्नीट्यूड के बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है क्या, नहीं है। तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो जाएंगे, अनइक्वल वेक्टर हो जाएंगे। तो ये तीन कंडीशन थी, ये तीन कंडीशन के रिस्पेक्ट में हमने अनइक्वल वेक्टर को समझ लिया।